दोस्तों एकदम धमाकेदार चीज ये आज लेकर आया हूं मैं आपके लिए। पहले तो आप इसकी आवाज सुन लीजिए, क्या जबरदस्त ये चीज है दोस्तों। मतलब इतना तगड़ा धमाका, ये बहुत ही सस्ता जुगाड़ है। दिवाली आने वाली है और दिवाली में आपको पता है कि कितने महंगे महंगे पटाखे आ रहे हैं, तो ये सस्ता जुगाड़। ये गंधक पोटास जो गन है, ये कैसे बनती है, क्या प्रोसीजर है, पूरा मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ये देख लीजिए कितनी जबरदस्त ये बनी हुई है। पकड़ने के लिए हैंडल है, यहाँ रबड़ लगी हुई है, इजी टू यूज है। बस यहाँ से बारूद डाला और बूम, धमाका अभी जैसा मैंने किया। तो वीडियो को पूरा देखिए और आज आप समझ जाएंगे कि ये कैसे बनती है पूरी। तो गाइस सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक ऐसा, आप देख सकते हैं ये 4.5 फुट का पाइप मैं लेकर आया हूँ, ये आपको चाहिए होगा। और ये मैं बताऊंगा कि आप अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा, हार्डवेयर की शॉप से आपको मिल जाएगा। मुझे ये मिला है 200 रुपीज़ में। अगर आप चाहें तो ये कबाड़ी वाले से भी सस्ते में मिल जाएगा, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये नया लें और अच्छी क्वालिटी का लें, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ इसी पर डिपेंड करती है। दूसरा गाइज हमारे पास में आती है ये रोड। ये एक्चुअली मेरे पास में रखी हुई थी इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये कहीं से भी ले सकते हैं, कबाड़ी वाले से भी आपको मिल सकती है या फिर आप हार्डवेयर की शॉप से भी लाकर इसको बना सकते हैं। ये देख सकते हैं। और रोड जो होती है गाइज उसको आप इस टाइप का लीजिएगा, जो एक प्लेन होती है ना स्मूथ, अगर आप देख पा रहे हो इधर से तो ये प्लेन है, इसमें कोई भी डिज़ाइन वगैरह नहीं है, तो इस टाइप की रॉड इसमें यूज़ होती है। और गाइज तीसरी चीज़ आती है हमारे पास में, ये दो चीज़ें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि जब हम उस पाइप को मोड़ेंगे तो इस टाइप का एंगल उसमें लगेगा जिससे उसकी मजबूती बनी रहेगी। और दूसरा हमारे पास में है ये दो वार्शल, ये होती है गाइज, इसमें आराम से रोड जो है वो अंदर चला जाएगा, बट उसका झटका जो है वो फायर ऊपर की साइड होता है वो पीछे की साइड ना आए, उसको रोकने के लिए ये आप रोड में लगा सकते हैं जो ऐसे करके मारते हैं, जिससे अगर आए भी तो वो इससे रुक जाए। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और लास्ट है हमारे पास में गाइज, ये एक रबड़ मैं लेकर आया हूँ, उसका जो हैंडल रहेगा उस पर लगाने के लिए और जो पकड़ने के लिए रहेगा उस पर लगाने के लिए। ये आपको मिल जाएगा किसी भी शॉप से, ये मिला है मुझे 40 रुपये का। तो गाइज़ ये थी वो सभी चीज़ें जो आज हम यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पर रखी गई हैं ये। और इसी के साथ दोस्तों आप ये देख सकते हैं एरिया किस टाइप का, एक्चुअल में ये वर्कशॉप है, यहीं पर ये काम होगा, ये हमारी ही वर्कशॉप है। आज जो हमारी हेल्प करने वाले हैं वो ये हैं, जो वेल्डिंग वगैरह करेंगे, पूरी पाइप की कटिंग वगैरह कर लेते हो आप, बढ़िया, ओके, एक नंबर की, ये सब यही करने वाले हैं, तो आज की हेल्प हमारी ये करेंगे। तो गाइज़ ये पाइप को काटने वाले हैं, अब देखते हैं, काटिए। ये आप देख सकते हैं, अब ये पाइप जो है कट चुका है और ये इस टाइप से हो चुका है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, इन्होंने इस टाइप के तो उसमें से दो काट लिए हैं, क्योंकि एक हमारा हैंडल बन जाएगा रोड पे जो लगेगा ऊपर, और दूसरा हमारा नीचे से जो उसका पाइप है उसको पकड़ने के लिए हैंडल बन जाएगा। तो दोनों ये हैंडल हो गए, एक इस हाथ में ऐसे पकड़ा जाएगा और दूसरे हाथ में ऐसे पकड़ा जाएगा जो ऐसे आएगा। तो रोड भी हमारे पास में रेडी है,
और एक इन्होंने काटा, छोटा सा वो पीस काटा हुआ है ये इस टाइप से। ये आप देख सकते हैं यहाँ से तिरछा है। तिरछा ये क्यों है? क्योंकि ये ऐसे वेल्ड होगा। दूसरा जो बड़ा पाइप है वो भी आगे से तिरछा है और ये भी आगे से तिरछा है, तो ये ऐसे वेल्ड होकर 90 डिग्री पर ये आ जाएगा। यहाँ से बारूद डाला जाएगा। अब आइए वेल्डिंग की बारी, देखते हैं ये वेल्डिंग किस टाइप से कर रहे हैं। अब देखिए जो 90 डिग्री जो मैं बोल रहा था, एग्जैक्ट 90 डिग्री तो ये नहीं है, बट ये इस टाइप से यहाँ पर वेल्ड हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कंप्लीट हो चुका है लगभग। ये सबसे पहले एक टुकड़ा काट कर यहाँ पर वेल्ड किया गया आपके सामने, और यहाँ पर इसको यहाँ पर एक पत्ती लगाई गई है जिससे ये मजबूत रहे, क्योंकि तो जो ब्लास्ट होना है वो इस एंगल पर होना है, तो यहाँ का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा जो हमारा टुकड़ा कटा था वो हमने यहाँ पर लगाया है, वो इस टाइप से पकड़ने के लिए कि ईजीली वो पकड़ा जाए। और तीसरा जो हमने पाइप का टुकड़ा काटा था वो यहाँ पर फिक्स किया गया है, और जो वार्शल दो थे एक यहाँ पर लगाया गया है और दूसरा यहाँ पर लगाया गया है, जिससे जो ब्लास्ट होगा यहाँ पर वो यहाँ से बाहर निकले ना कि यहाँ से। अगर थोड़ा बहुत आता भी है तो ये वार्शल उसको रोक ले, और ये पकड़ने के लिए हैंडल बन चुका है। तो वार्शल लगाकर इस रोड पे ऊपर से पाइप यहाँ पर वेल्ड कर दिया गया है, तो जिससे ये बहुत अच्छा हैंडल बन जाता है। तो इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ से इसमें डल जाएगा बारूद जो आप डालेंगे, यहाँ से डालकर ये इस टाइप से यूज़ होगा। तो काफ़ी मजबूत ये बन चुका है, बट अभी थोड़ी सी फिनिशिंग इसमें बाकी है, वो अभी हम कर लेते हैं। उसके बाद होगा इसमें पेंट, और जो रबड़ मैंने आपको दिखाई थी वो यहाँ पर हैंडल पर लगा दी जाएगी। मैं दिखाता हूँ ये कंप्लीट होने के बाद कैसा दिखता है और कैसी आती है इसकी आवाज़। ये देखिए गाइस, अब आप इसमें आराम से देख सकते हैं कि जब ये बन रहा था तो ये कैसा था, और अभी ये फिनिशिंग होने के बाद में कितना स्मूथ हो चुका है। यहाँ से भी मतलब कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं है जो आपके हाथ में चुभे। और यहाँ देखिए, ये भी अच्छे से फिनिश कर दिया गया है, कि मतलब पेंट होने के बाद आई थिंक ये पता भी नहीं लगेगा कि ऐसा कुछ जॉइंट है। यहाँ पर बिल्कुल स्मूथ हो चुका है, प्लेन हो चुका है। और दूसरा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, तो अभी देखते हैं ये पेंट होने के बाद में पूरी कैसी दिखती है। गाइस देख सकते हैं ये पेंट हो चुका है, ये पेंट होके इस टाइप से दिख रही है, एकदम
मस्त एकदम शाइनिंग देख रहे हैं आप, इसकी अलग ही आ रही है। और अभी ये जो रबड़ थी ये काट ली गई है, दो हिस्सों में बांट दी गई है, एक तो उधर की साइड आ जाएगा और एक ही आ जाएगा इधर। चलिए इसको भी लगा देते हैं अभी। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पेंट पूरी हो चुकी है और ये हैंडल में हमने फिट कर दिया रबड़, इधर से भी देख सकते हैं, और ये एकदम फर्स्ट क्लास हो चुकी है धमाका करने के लिए। और इसमें इन्होंने पूरी मेहनत करी है, जिनके बिना ये वीडियो भी कंप्लीट ना हो पाती और शायद मैं आपको भी समझा ना पाता कि ये कैसे तैयार होती है। तो आप ही के सामने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये पूरा पीस बन के तैयार हो गया है। अभी हम इसमें से धमाके आपको करके दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप यार वीडियो को लाइक कर दो, और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वन टू थ्री हैप्पी दिवाली।